अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर YouTube आपके साथ भी ऐसे ही मसला करे जैसे कि मेरे कंप्यूटर में ये मसला आ रहा है कि मैंने वीडियो प्ले की, उसके बाद वीडियो का अगर हम डी के नीचे पूरा थंबनेल्स ही नज़र आता है और उसकी स्क्रीनिंग नज़र नहीं आती, ये नहीं बल्कि हम अगर इसकी कुछ और भी वीडियोस प्ले करके देखें तब भी इसमें यही मसला हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और वीडियो प्ले करूँ जैसे कि ये तोते वाली, देखते हैं ये प्ले होती है या नहीं। ये देखें, ये भी प्ले नहीं हो रही है, साथ में कोई ये दूसरी एक है कोई चैनल है, इसकी भी ये वीडियो प्ले नहीं हो रही। इस मसले ना चैनल इसका ये मसला हल करने के लिए मुझे सिंपल ही इसके जो है कुछ आप नेट पर सर्च कर ले कि वाई नॉट प्लेइंग द यूट्यूब वीडियो, बट ओके इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कुछ लोग आपको बताएंगे कि इसका आपको ब्राउज़र पुराना हो गया है, कुछ लोग बोलेंगे कि आपका ब्राउज़र सपोर्टेड नहीं है, तो कोई कुछ कहेगा। इसका एक सिंपल ही आप लोगों को हल बताता हूँ। और इसके अलावा कोई भी वीडियो प्ले करके देखो तो वो प्ले नहीं होती। तो इस मसले का एक सिंपल ही हल है कि अगर आप, मैं ये दिखा देता हूँ आपके, मेरे सिस्टम में इस टाइम रैम जो है वो 2 GB की लगी हुई है लेकिन वो यूजेबल है 1.989, इसका मतलब टोटल जो रैम है इतने यूजेबल है, उसमें 2 GB की रैम लगी हुई है। अगर मैं यूँ करूँ कि इसमें एक और रैम लगा दूं, जैसे कि मेरे पास ये है, सही है, ये 4 GB की रैम है, अगर इसमें मैं ये भी लगा दूं तो टोटल मेरे पास हो जाएगा 6 GB का रैम और ये यूट्यूब का मसला इससे भी हल हो जाएगा। और नहीं तो ये जो मेरी पिछली वाली रैम है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, ये कोई सिस्टम या ब्राउज़र वगैरह का मसला नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम का रैम कमज़ोर होने की वजह से वो एक्सेस नहीं कर पाता कि YouTube जो है वो एक्सेस नहीं कर पाता। तो चलो मैं इसमें सिस्टम में रैम लगा के आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर इमेजेस वगैरह हो, यहाँ पर जो ऐड है वो भी नहीं चल रहा, जो YouTube का अपना ऐड चल रहा होता है वो भी नहीं चल रहा। चलो इसको प्ले करते हैं। इसको प्ले करने के लिए सबसे पहले मैं शट डाउन कर देता हूँ। रैम के ऊपर नट लगे होते हैं वो ये रिमूव कर दें, तो इसके बाद ये ढक्कन हटाएंगे और इसमें ये दूसरी रैम लगा देंगे। सही है, अब इसमें एक और दो रैम लग चुकी है, टोटल 6 GB हो गया। अब ये मसला दोबारा से कभी जो YouTube का था, इसके बाद हमारे पास F1 प्रेस करेंगे। F1 प्रेस करने के बाद ये हमारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है। चलो थोड़ी देर में इसे एक बार रिफ्रेश करके दोबारा से देखते हैं। अब हमारे पास टोटल रैम 6 GB है और हमारे पास व्यूज जो है वो 3.45 है, लेकिन क्या अब हमारे YouTube का मसला हल हो गया है? जो कि YouTube में वीडियो प्ले नहीं हो रही थी, ये वीडियो उसी के लिए थी कि हम ये शो करा सकें कि ऐसे भी मसले आते हैं कि ब्राउज़र सपोर्टिंग वगैरह की कुछ नहीं होती, बल्कि आप देखें YouTube में ऐड भी चलना शुरू हो गया है, नीचे वीडियो के नाम लिखे हुए आ रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं आ रहे। चलो किसी वीडियो को प्ले करके देखते हैं कि यार ये प्ले होते हैं क्योंकि यहाँ पर है ये अमेजिंग स्टोरी, इस पर क्लिक किया ये थंबनेल्स, एक और देखते हैं ये वाली। हाँ देखिए अब ये वीडियो प्ले हो गई है। चलो कोई और देखते हैं,
ये दूसरी, ये भी हो रही है, ये वाली ये भी हो रही है। अब ये मसला तो रैम से ही हल हो गया, हालांकि इस पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई थी, वो लोग कह रहे थे कि आपका ब्राउज़र सपोर्टेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उसके लिए मैंने विंडोज़ भी चेंज किया, सब कुछ किया, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। बहरहाल मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये मसला था रैम का, रैम बहुत कमज़ोर हो चुका था, इस वजह से वो नहीं चल रहा था। अब माशाल्लाह से ये वीडियो चलनी शुरू हो गई है। अगर आपके कंप्यूटर में ऐसा कोई मसला आता है तो आप भी अपने रैम को अपडेट कर लें।